पिछली क्लासेस में हमने नेफ्राइटिस के कॉजेज़, कंडीशन और उसके रिजल्ट को देखा था। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, हाउ वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पॉइंट कैसे लिखे जाएंगे। क्लियर? और इंट्रोडक्शन पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको एक फर्स्ट नंबर का पॉइंट लिखना है कि नेफ्रो जो है, नेफ्रो का मीनिंग क्या होता है? किडनी रिलेटेड। नेफ्रो, द मीनिंग ऑफ नेफ्रो इज रिलेटेड टू द किडनी। क्लियर? और आइटिस इज रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे यदि हम मेजर रूप में कहें, एक मोटे पैमाने पे कहें, तो नेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी है, क्योंकि किडनी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट और फिजियोलॉजिकल जो यूनिट है, उसका इन्फ्लामेशन है। तो उसको हम यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। क्लियर? ओके। सेकेंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी एंड इट इज़ कॉज्ड, इट कॉज डेथ। ये डेथ कॉज कर सकती है, इट मे कॉज डेथ, ये डेथ कॉज कर सकती है, इससे पर्सन की डेथ हो सकती है। इफ़ इट विल नॉट ट्रीटेड, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, ट्रीटेड। क्लियर? इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, यदि इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये डेथ का कारण बन सकता है। लाइफ स्टाइल, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ब्लड के अंदर यूरेमिया बढ़ जाने से, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाने से वाइटल ऑर्गन्स इरिटेट होंगे और धीरे धीरे वाइटल ऑर्गन्स भी अपना फंक्शन करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। नेक्स्ट है कि किडनी जो है, किडनी के अंदर जो नेफ्राइटिस है, तो नेफ्राइटिस स्पेशली फोकस करता है ग्लोमेरुलर इंजरी को, ठीक है, इसीलिए मैंने कंडीशन में आपको बताया था ग्लोमेरुलर इंजरी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, क्लियर, मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी, ग्लोमेरुलर इंजरी इसके अंदर के चांसेस ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, हम फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इट इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ ग्लोमेरुलर, इट इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ऑफ ग्लोमेरुलर, इट इज डिस्टर्बेंस ऑफ ग्लोमेरुलर, क्लियर, स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर विथ इन्फ्लामेटरी सेल प्रोलिफरेशन। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए भी, ठीक है, विथ इन्फ्लामेटरी सेल प्रोलिफरेशन, विथ इन्फ्लामेटरी सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन, इन्फ्लामेटरी सेल प्रोलिफरेशन, और मतलब कि मुंह फुला देने वाली मैंने जो बात कही थी वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट कैन लीड टू द रिड्यूस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, इट कैन, ये जो सेल प्रोलिफरेशन है, इट कैन लीड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो इन ग्लोमेरुलस, इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और यूरिन फॉर्मेशन कम आएगा, एंड लीडिंग टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट, ये इसके नोट्स हो गए। क्लियर? इट इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया, तो यहाँ पे ओलिगो यूरिया आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्लियर? ओलिगो यूरिया, इज इट विजिबल? क्लियर? नेक्स्ट लेंगे, एंड रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एंड रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज
यूरेमिया, क्या होगा? यूरेमिया, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इट लीड टू द लीक ऑफ, लीक लीकेज ऑफ, ठीक है, लीक ऑफ आरबीसी, इट लीड टू द लीक ऑफ आरबीसी, ओके, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलर सेल्स, ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये सारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, क्लियर। और इंट्रोडक्शन के ये मैं पेज आपको अवेलेबल करवा दूंगा, क्लियर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, इट मे कॉज द डेथ इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, ठीक है। नेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन कॉज द ग्लोमेरुलर इंजुरी, इट इज डिस्टर्बेंस ऑफ द, डिस्टर्बेंस ऑफ द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, इट कैन लीड टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन ग्लोमेरुलर, लीडिंग टू द रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट नॉन एज द ओलिगोयूरिया, रिटेंशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट नॉन एज द यूरेमिया, एंड लीड टू द लीक ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द ग्लोमेरुलर सेल। तो ये जो मैंने अंडरलाइंस की हैं, इस तरह के वर्ड यदि आपके आंसर शीट में मिलते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है, आप अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। इन अंडरलाइन सेंटेंसेस को आपको याद रखना है, समझना है, और क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस, टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस, टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूँ, टाइप के बारे में यदि हम बात करें तो एक्यूट और क्रॉनिक होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक। लेकिन एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एक्यूट में होता है हाइपर सेंसिटिविटी के द्वारा, बाय हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी कैसे, जैसे कि एलर्जी, ठीक है, एलर्जी के विरोध में, एलर्जी के अगेंस्ट क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट हो जाएंगी, जैसे कि ड्रग सच एज इसका एग्जांपल, जैसे कि एनाल्जेसिक्स, जैसा कि मैंने आपको कंडीशन में बताया था, एनाल्जेसिक्स, और एनाल्जेसिक्स के अंदर एग्जांपल है एस्पिरिन, एस्पिरिन, क्लियर, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, एस्पिरिन, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, ठीक है, ये तीन एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, टेक्रोलिमस, ओके। तो ये तीन ड्रग्स एग्जांपल के लिए हैं जो ऐसे हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, और किडनी इनके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसी कारण से ये ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाएंगे और यूरिन आउटपुट कम करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन कम करवाएंगे, क्लियर। और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज, एंटी कैंसर ड्रग्स, ये तो एनाल्जेसिक्स हो गया, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, यदि ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज जो एंटीबॉडीज डेवलप करे और एंटीबॉडीज सडनली अचानक से ग्लोमेरुलर को डैमेज कर दें, ठीक है, सडन डैमेज द ग्लोमेरुलस, डैमेज ग्लोमेरुलस सेल, तो ये क्या कॉज करेगा, एक्यूट ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस, क्या कॉज करेगा, एक्यूट ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस, एक्यूट ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस, ओके। और यदि कुछ एजेंट ऐसे रहते हैं जैसे कि एंटी कैंसर, ठीक है, एंटी कैंसर, अब एंटी कैंसर ड्रग्स का फोकस ये रहता है कि ये कैंसर सेल को किल करे, डिस्ट्रॉय करे, लेकिन कभी कभी साइड इफ़ेक्ट के होने से एंटी कैंसर सेल्स क्या करती है,
कि होस्ट की जो सेल है, होस्ट की जो यूजफुल सेल है, उनको भी डैमेज कर लेती है, और उस कारण से ग्लोमेरुलर सेल्स भी डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स के साइड इफेक्ट से हो सकता है। क्लियर। और कुछ मेडिसिन है जैसे कि लिथियम वगैरह, मैंने आपको बताया। ठीक है, लिथियम टॉक्सिक के अंदर एग्जांपल लेते हैं, लिथियम टॉक्सिक ड्रग के अंदर एग्जांपल है लिथियम। और लिथियम क्या करेगा, लिथियम करेगा टॉक्सिसिटी टू द ग्लोमेरुलर सेल, ग्लोमेरुलर सेल के लिए टॉक्सिक बिहेवियर शो करेगा, और टॉक्सिसिटी होने से ग्लोमेरुलर सेल डैमेज हो जाएंगी और वो इंज्यूर्ड होके इन्फ्लेम्ड होंगी और नेफ्राइटिस क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट है क्रॉनिक। क्रॉनिक के अंदर क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? क्रॉनिक मीन्स धीरे धीरे इंजुरी लाने वाले एजेंट, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, यदि ब्लड प्रेशर बना हुआ ही रहता है ना, ब्लड प्रेशर यदि हाई ही रहता है किसी पर्सन के अंदर, अक्सर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी को क्या करेगा, डैमेज करेगा। डैमेज क्रॉनिक डैमेज टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को क्रॉनिक डैमेज देगा। ठीक है, क्रॉनिक क्रॉनिक डैमेज देगा, धीरे 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 ग्रेजुअल डैमेज देगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है वो जवाब दे देंगी, हथियार नीचे डाल देंगी और काम करना बंद कर देंगी। क्लियर। ओके ओके। अब नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक डिजीज़। दूसरा यदि इसके अंदर हम देखते हैं पॉलीसिस्टिक डिजीज़। अब पॉलीसिस्टिक डिजीज़ क्या है, ये हम जैसे ही ये पॉलीसिस्टिक डिजीज़ का टॉपिक आएगा उस समय इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि पॉलीसिस्टिक डिजीज़ यदि किडनी में होती है तो वो ग्लोमेरुलर सेल को डैमेज करती है, धीरे धीरे डैमेज करती है, और नेफ्राइटिस का रिजल्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर। यहाँ पे भी ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी मीन्स, ऑटो इम्यूनिटी मीन्स ऑटो इम्यून एंटीबॉडी यदि सडनली ग्लोमेरुलर सेल को डैमेज करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी धीरे धीरे, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ हैं, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ हैं, ये धीरे धीरे यदि ग्लोमेरुलर सेल्स को डैमेज करें, धीरे धीरे करेंगे, है ना, तो ये कहलाएगा क्रॉनिक ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस। तो पहले मैंने आपको बताया एक्यूट ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस, सेकेंड है क्रॉनिक ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस। ओके, अब यहाँ पे हमको इनका मतलब तो यही समझना है कि स्लोली सडनली, और इसका मतलब समझना है स्लोली। ठीक है, एक्यूट मीन्स सडनली, अचानक से हो जाना, क्रॉनिक का मतलब ये। लेकिन इसके मोस्ट ऑफ कॉजेज़ ये हैं, और इसके मोस्ट ऑफ कॉजेज़ ये हैं जो कि हमको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और कैडमियन लीड एवं कैडमियम इंटॉक्सिकेशन, लीड पॉइजनिंग, ठीक है, लीड पॉइजनिंग या फिर कैडमियम, ये ऐसे केमिकल हैं जो कि आपके ग्लोमेरुलर सेल को क्रॉनिक फॉर्म में डैमेज करते हैं, स्मोकिंग वगैरह हो गया। क्लियर। ओके, तो ये सब क्या था, टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस। अब नेक्स्ट हेडिंग हम जो लेंगे, ये टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस थे, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे सब टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी सब टाइप ऑफ नेफ्राइटिस, सब टाइप। देखिए, अब टाइप तो हमने कितना जल्दी होता है, कितना स्लोली होता है, एक्यूट और उनके कॉजेस पे डिपेंडेड हमने टाइप लिखे थे, लेकिन सब टाइप में हम ये लिखेंगे कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में कौन सा साइट, कौन सा एरिया अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड एरिया के आधार पर हम सब टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला हम लेते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, पहला हम लेते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो फर्स्ट हम लेंगे ग्लोमेरुलर, ग्लोमे रूलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। क्लियर, फर्स्ट टाइप। और जैसा कि ये नाम से आपको पता चल ही रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ये तो नाम से पता चल ही रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई भी कर सक
कर सकते हैं ग्लोमेरुलाई, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। और ये जो है मोस्टली अफेक्ट, और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल, बिल्कुल छोटी छोटी ब्लड वेसल और स्मॉल पोर्स जो रहते हैं उसको अफेक्ट करता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस इसको हम कहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। और इसमें स्पेशली डैमेज क्या होता है कि फाइन ब्लड वेसल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। सेकेंड टाइप हम जो देखते हैं वो रहेगा इसके अंदर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। सेकेंड टाइप क्या रहेगा, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उनके बीच में जो स्पेस है, मींस मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये जैसे नेफ्रॉन हो गया, ये दूसरा नेफ्रॉन हो गया, ये तीसरा नेफ्रॉन हो गया, ये चौथा नेफ्रॉन हो गया, तो ये तो इनका फंक्शनल यूनिट है, लेकिन फंक्शनल यूनिट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे बीच में दूसरे जो टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, उन टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, और इन तरह के टिश्यू को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, क्लियर, इनको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल। कोई भी ऑर्गन है, यदि मेन फंक्शन करने वाले ऑर्गन हैं और मेन फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स के बीच में एक स्पेसिफिक अलग टाइप के यदि टिश्यू आते हैं, ठीक है, जैसे ये ऑर्गन है और इसके अंदर ये मेन फंक्शन, नेफ्रॉन क्या है, मेन फंक्शन करने वाली यूनिट्स हैं, और यूनिट के बीच में दूसरे जो टिश्यू आते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू वगैरह जो आते हैं बीच में, इन टिश्यू को हम इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं, और इनके अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, या फिर इसको हम कह सकते हैं ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मतलब ट्यूब जो है, ट्यूब के बीच में जो आने वाले टिश्यू हैं उनको हम क्या कह सकते, उनको उनके अंदर इन्फ्लामेशन को हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलो, इट इज़ आल्सो नोन एज द ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, क्लियर, ये पॉइंट फर्स्ट। या हम इसके अंदर लिख सकते हैं इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्पेस बिटवीन द रीनल ट्यूबुल, क्लियर, रीनल ट्यूबुल्स के बीच का जो स्पेस है जहाँ कनेक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, अदर टिश्यूज पाए जाते हैं, उनका क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। तीसरा हम देखते हैं, थर्ड टाइप हम देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, पाइलोनेफ्राइटिस, क्लियर। इसके अंदर पाइलो क्या है, पाइलो एक तरह से किडनी का पेल्विस कहा जाता है, ठीक है, पाइलो क्या कहा जाता है, किडनी का पेल्विस, जैसे कि ये किडनी है और यहाँ से ये पूरा एरिया, इतना एरिया ये पाइलोरस एरिया, फनल शेप एरिया रहता है, इस एरिया को हम किडनी का पेल्विस भी कहते हैं या पाइलो भी कहते हैं। और इस एरिया के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और ये इन्फ्लामेशन, ये इन्फेक्शन किस कारण से आता है कि सपोज़ करो यहाँ पे ये किडनी से फिर ये ब्लडर हो गया और ब्लडर से ये यूरिनरी ट्रैक हो गया, ये यूरेटर दूसरा यूरेटर हो गया, ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन यदि पाइलो में पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए, पाइलो में पहुँच जाए, तो उस कारण से क्या हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, क्लियर। तो इट इज़ कॉज्ड बाय किसके द्वारा होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण से ये हो सकता है। लंबे समय तक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मौजूद है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस का रूप ले सकता है, क्लियर। और इसको हम पाइलम कहते हैं, ठीक है, इट इज़ द पाइलम पार्ट ऑफ किडनी,
आल्सो नोन एज द पेल्विस ऑफ किडनी, इसको हम पेल्विस ऑफ किडनी भी कहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम चौथा टाइप देखते हैं, और वो है ल्यूपस नेफ्राइटिस। नेक्स्ट चौथा टाइप हम देखेंगे ल्यूपस नेफ्राइटिस। क्लियर। और ल्यूपस नेफ्राइटिस हम चौथा टाइप, और ये लास्ट टाइप है सब टाइप। क्लियर। लास्ट सब टाइप है ल्यूपस, ल्यूपस नेफ्राइटिस। अब ये क्या चीज है ल्यूपस नेफ्राइटिस, व्हाट इज द ल्यूपस नेफ्राइटिस? तो हम यहाँ पर एक मैं डिजीज का नाम बोल रहा हूँ, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। क्लियर। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रो मेटो सस। क्लियर। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, इसको हम SLE कहते हैं। और SLE जब हम ब्लड रिलेटेड सिस्टम पढ़ेंगे उस समय हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि पर्सन को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस की डिजीज कंडीशन है तो वो नेफ्राइटिस क्रिएट कर सकता है। तो इसका बेसिक कॉज कौन हो गया? SLE। दिस टाइप ऑफ द नेफ्राइटिस इज कॉज्ड बाय द SLE। ठीक है। SLE अब क्या है इसको हम SLE के यूनिट में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने सब टाइप देखे, चार तरह के सब टाइप देखे। क्लियर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अगले वीडियो के साथ। क्लियर। और अभी तक का वीडियो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।